दोस्तों फिल्म आदि पुरुष में भगवान हनुमान को लेकर के जिस तरह के सड़क छाप और टपोरी डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया वो काफी निंदनीय है, जिस पर आप नेता संजय सिंह ने फायर होते हुए भाजपा नेताओं पर जबरदस्त हमला बोला है। लेकिन इस फिल्म पर भाजपा नेताओं को आखिर उन्होंने क्यों आड़े हाथ लिया, आइए जानते हैं। और फिर से एक बार साबित किया बीजेपी वालों ने कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी लुच्चो लफंगों और सड़क छाप लोगों की पार्टी है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये आप देखिए, इन लोगों के आशीर्वाद से एक फिल्म बनी है आदि पुरुष। ये किसके आशीर्वाद से बनी है? इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और तमाम इसके नेताओं ने भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान इस फिल्म के माध्यम से करवाया है। पूरे हिंदू समाज से, पूरे हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। इस फिल्म के डायलॉग आप पढ़ेंगे तो आपको शर्म आएगी। ये फिल्म का डायलॉग है, सुनिए। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया? जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। ये डायलॉग है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे बनी फिल्म का ये डायलॉग है। ये डायलॉग है, ऐसी फिल्म को इतने सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री मान्यता दे रहे हैं? ऐसे हिंदू धर्म के अपमान को, देवी देवताओं के अपमान को भारतीय जनता पार्टी के लोग मोहर लगा के, सीना तान के मान्यता दे रहे हैं? पूरे देश से जेपी नड्डा जी को, नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा के इन तमाम नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। हिंदू धर्म की भावना को आहत करने का काम किया और फिर से एक बार साबित किया है बीजेपी ने कि दरअसल वो लुच्चे लफंगों की पार्टी है और धर्म में भी लुच्चई और लफंगई की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस रामायण के अंदर हल्की घटिया सस्ती भाषा का इस्तेमाल किया गया? किस रामायण में? एक का नाम बताइए मुझे। किस रामायण के अंदर सड़क छाप हल्की घटिया भाषा का इस्तेमाल किया गया है, बताइए आप मुझे। दोस्तों भगवान के लिए इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना और सड़क छाप डायलॉग्स लिखने पर क्या आप किसी भी भाजपा नेताओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच रही है, जो सिर्फ पठान फिल्म में कपड़ों के रंग पर भावनाएं आहत होती थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।